जो मैं जनता से अपील करना चाहूंगा, किसानों से भी अपील करना चाहूंगा कि अभी जो किसान संगठनों ने दिल्ली कूच का जो एक आह्वान किया हुआ है, हम उसको उचित नहीं मानते हैं। और उसको उचित न मानते हुए लैंड रोड की स्थिति बनी रहे, इसके लिए पुलिस के द्वारा कुछ सख्त कदम उठाए जाने की योजना बनाई गई है कि वो सख्त कदम उठाए जाएंगे। और इसमें जनता से अपील ये है कि 25 और 26 तारीख कम से कम पंजाब जाने वाले जो बॉर्डर्स हैं, हरियाणा पंजाब के जो बॉर्डर्स हैं, वहां जाने की तरफ थोड़ा अवॉइड करें, जीटी रोड पर हाईवेज पर ना आए, क्योंकि उन रोड्स के ऊपर थोड़ा सख्ती बरती जाने की योजना है। और इसी प्रकार से 26 और 27 तारीख को हरियाणा दिल्ली के जो बॉर्डर्स हैं उन पर भी जाने को अवॉइड करें, इसके बिना ही अपना काम चलाए, वहां भी उन दो दिनों में सख्ती बरती जाने की एक योजना बनाई गई है, ताकि हम किसी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हमारी पुलिस जो अलर्ट है, उस नाते से हमने ये व्यवस्था की है। और मैं किसानों को अपील करता हूं कि ये जो कुछ किसान संगठनों ने आह्वान किया हुआ है, ये इसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि जो तीन कानून केंद्र सरकार ने बनाए हैं वो किसानों के हित में हैं। उसमें हमने घोषणा की है, बार बार की है, अब फिर मैं कर रहा हूं कि हमारे यहां हरियाणा में न तो हम मंडियों को डिस्टर्ब करेंगे, बल्कि पहले से मंडियां जितनी है उसको ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और इसी प्रकार एमएसपी भी जो हमारे यहां विभिन्न फसलों की तय की गई है, चाहे वो केंद्र सरकार के द्वारा धान अथवा गेहूं जो प्रोक्योरमेंट की जाती है वो तो होगी ही होगी, इसके अलावा हरियाणा सरकार ने भी बाजरा है, सरसों है, मूंग है, मूंगफली है, सूरजमुखी है, ऐसी सब फसलों के लिए हमने भी यहां अपने एमएसपी के ऊपर खरीद जारी रखी हुई है और इसको लगातार जारी रखेंगे, इसके अंदर कहीं व्यवधान नहीं आने देंगे। इसलिए यही दो शंकाएं किसानों की हैं, उन दो किसानों की शंकाओं को दूर करने के लिए बार बार पहले भी कहा, आज भी मैं कह रहा हूं, लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं एक वेस्ट इंटरेस्ट कुछ लोगों का इस प्रकार का रहता है कि जो अपने इस वेस्ट इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए ऐसे समय समय पर आह्वान करते रहते हैं। इसके बाद किसान अगर मानो किसी प्रकार से हमारी अपील अगर स्वीकार करते हैं तो निश्चित रूप से किसान को इसका लाभ भी होगा और स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो भी ठीक बनी रहेगी। तो यही अपील आपके माध्यम से मैं करना चाहता हूं।